अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट। असदुद्दीन अवैसी सियासी दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हमेशा हिंदुस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी में रहते हैं। हम आपको बता दें कि अपोजिशन के तौर पर ये एक अलग आवाज बनकर उभर कर आते हैं सेकुलरिज्म का नाम लेकर। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के फोटोज लगाकर, आशिकी के गाने लगाकर वायरल किया जा रहा है। अब हुआ क्या, एक जलसे के दौरान तकरीर करते वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस बात का जिक्र किया और भड़क उठे उन लोगों पर जो इस तरह के वीडियोस बनाकर वायरल कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि किसी भी औरत की इज्जत का सवाल है और हमें भी मालूम है कि ये एक मजाक है, पर इज्जत इज्जत होती है। हम आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की उम्र 50 साल की है, वो शादीशुदा है, उन्हें बच्चे भी है और उन बच्चों की भी शादियां हो चुकी है और अब असदुद्दीन अवैसी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है, तो इसके चलते वो भड़क उठे और क्या कहा उन्होंने अपनी इस तकरीर में, आइए सुनते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, आप मेरी फोटो लगा के किसी एक मोहतरमा की फोटो लगा दी उसको, ये गलत है। नहीं 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 गलत है, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, बदतमीजी है। अगर उसकी जगह पे आपकी बहन की फोटो लगी तो, आपकी बीवी की फोटो लगी तो गलत है ना। नहीं नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखो, आज आप मजे ले रहे, कल को आपसे कर देगा तो आप बोलेंगे तेरी हिम्मत कैसी हुई। टिकटॉक डालो, मुझे डालो ना, वो डालो टिकटॉक में, मैं जो बोला वो डालो टिकटॉक। अभी इनको यही फिक्र है कि हमारा टिकटॉक नहीं आता, इनका टिकटॉक आता। अरे टिकटॉक डालने के लिए बोलने की सलाहियत भी होना पड़ता प्यारे, जो अल्लाह का करम है। हम दीवानों को अल्लाह क्या दिया, मुझे किसी एक कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है, मिला ये। बोले और क्या है, मिला ये, मिला। अब मिला और बोलो, नहीं नहीं अब नको बोलो, तीसरी बात तुम बोलेंगे। मिला ये जरूरी है, दिमाग, जबान, दिल, और जब तक ये तीनों चीजों एक जगह नहीं रहती आप कुछ नहीं बोल सकते। इनका मामला क्या है, कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल आरएसएस में, अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते, क्या निकलता जुमला, हो सकता क्या बोलो आप। तीनों एक जगह जमा होना, दिमाग, जबान, दिल, तो जो दिल बोलता है वो दिमाग को ही मानना पड़ता तो जबान पे आता, और हम लोग तो दीवानगी की हद को पार चुक कर चुके हैं। बाज वक्त हम अकल को, दिमाग को नहीं सुनते, हम दिल को सुनते, क्योंकि दिल से जो आवाज निकलती असर रखती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दोबारा अपील कर रहा हूं कि 22 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। अगर कोई कांग्रेस के लोग, इनके पास ज्यादा दौलत है, ले लो आप, नो प्रॉब्लम, मेरी वजह से मिल रहा ना आपको, तो मेरे को खाली वोट दो। लूट जो दे रहे लो अपने, क्या करने का, खाजा का लंगर है, लूट के खाओ, दबा के लो। और मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेस का रेट बढ़ाओ, मेरी कीमत 2000 रुपये नहीं है रे, बहुत ज्यादा कीमत है। ये देते कहते, इन्हों देते, क्या देते तुम लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में मैं अपील करूंगा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से भी कि भैंसे में आज जो वाकयात हुए वो काबिल मजम्मत है। हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते कि एक एक खातियों के खिलाफ एक्शन लो आप। मैं कल रात भर डीजीपी साहब से बातचीत कर रहा था, जाबिर अहमद के साथ, पुलिस गई सुबह में वहां पर, मगर पुलिस की मौजूदगी में जो नंगा नाच हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और केसीआर चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जिस किसी का नुकसान हुए, चाहे कोई मजहब का हो, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन दे, खातियों के खिलाफ एक्शन ले,
एक एक अफवाह रजिस्टर होना, गिरफ्तारी होना। और मैं भैंसे की आवाम से अपील करता हूँ कि मन को बरकरार रखिए। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी जलसे में आए, निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। ये आपकी आवाज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।